हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे एगलेस स्पॉन्ज केक, जिसको हम वनीला फ्लेवर के साथ तैयार करेंगे। आज हम इसको विदाउट मिल्क, कर्ड, कंडेंस मिल्क एंड अवन बनाएंगे। यस, आज हम इसको विदाउट अवन, कर्ड, मिल्क एंड कंडेंस मिल्क तैयार करेंगे, क्योंकि आज हम इसे सिर्फ पानी के साथ ही बनाएंगे। पानी के साथ केक बनाने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, केक आपका वैसे ही सॉफ्ट और फ्रफी बनेगा, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस केक को अपने घर पे बना सकते हैं। आज हम इसे गैस स्टोव पे बनाएंगे, इसलिए हमें अवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इसे एक बड़े बर्तन में बनाएंगे। केक को हम जनरली प्रेशर कुकर में बनाते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाने में कई बार ये समस्या आती है कि प्रेशर कुकर का साइज़ बड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा केक मोल्ड उसमें पूरी तरह से सेट नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि हम इसे एक ऐसे बड़े बर्तन में बनाएं जो हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, और हमारा केक मोल्ड भी उसमें पूरी तरह से सेट हो जाए। इसलिए आज मैं इसे भगोने में बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई और बड़ा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे प्रेशर कुकर में बनाने की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन भगोने में केक कैसे बनाते हैं ये वीडियो सबसे पहले मैंने ही अपलोड की है। एंड आई होप आप सभी को ये एफर्ट मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cookwithmansi.com, या फिर इस रेसिपी के टेक्स्ट के लिए भी आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसे आप अपने घर पे ट्राई करें, और उसके बाद इसे किसी भी तरह से जैसा आपको अच्छा लगे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आसान से केक को बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का भगोना लिया है, जिसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक की जगह आप चाहें तो सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम रखेंगे ये कूलिंग रैक, जिसके ऊपर हम अपने केक मोल्ड को रखेंगे। फ्लेम को ऑन कर देते हैं, इसे एक प्लेट से कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पे ही इसे प्रीहीट होने देते हैं। जब तक हमारा बर्तन प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम केक का बैटर भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम लेंगे 1/4 कप ऑयल। मैंने यहाँ ऑयल यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप पाउडर्ड शुगर, और इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरी तरह से क्रीमी ना हो जाए। मैंने यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, क्योंकि केक को अभी मैं चॉकलेट गनाश के साथ डेकोरेट करूँगी तो केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। लेकिन आप शुगर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली 1 कप मैदा में हमें 1 कप ही शुगर लेनी होती है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बिल्कुल आधी ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और ये मिक्सचर काफ़ी क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा मैंने ली है करीब 1 कप। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। हम यहाँ पे कोई और राइजिंग एजेंट नहीं डाल रहे हैं, जैसे कर्ड मिल्क और कंडेंस मिल्क, इसलिए मैंने दोनों की क्वांटिटी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की थोड़ी ज़्यादा रखी है। इसे हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे बहुत तेज़ गरम लिया है, मैंने बॉइलिंग वाटर यूज़ किया है। 1 कप मैदा में हम 1 कप ही पानी लेंगे। पानी हमको एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। और इस मिक्सचर को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको मिक्स करना है, कट और फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए। अगर आप इसे बहुत तेज़ हाथों से बीट करेंगे तो केक हमारा राइज नहीं करेगा। ये पूरा 1 कप पानी हमने ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें कोई फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बैटर अब हमारा पूरी तरह से बनके तैयार है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने ऐड किया है, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कलरफुल वर्मिसलीज। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और बस अब बैटर पूरी तरह से बनके तैयार है।
केक मोड लेंगे जिसको मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बैटर को इसमें पोर कर देते हैं। एक बार इसे अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं। अब हम इसको 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। बर्तन हमारा अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें केक मोल्ड को रख देते हैं और इसे प्लेट से कवर कर देते हैं। इसको हम लो और मीडियम फ्लेम पे 35 मिनट्स के लिए बेक होने देते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 35 मिनट्स हो गए हैं। केक चेक कर लेते हैं। वाओ, जैसा कि आप देख सकते हैं केक कितनी अच्छी तरह से राइज कर चुका है। एक बार टूथपिक से इसको चेक कर लेते हैं। टूथपिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब केक अब पूरी तरह से हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने 30 मिनट्स बाद चेक करा था, लेकिन केक हमारा थोड़ा सा कच्चा था, तो इसलिए हमने इसे 5 मिनट्स और बेक किया है। तो टोटल हमने 35 मिनट्स इसको बेक किया है। एक बार फिर टूथपिक डाल के मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। केक बहुत अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। आई मस्ट से कि अवन से अच्छा केक गैस स्टोव पे बना है, क्योंकि जब हम अवन में केक बनाते हैं तो ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है और थोड़ी हार्ड भी हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये कितनी वाइट है और ऊपर से बहुत सॉफ्ट है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको डिमोल्ड करेंगे। केक अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। नाइफ लेंगे और इसको इस तरह से रन करेंगे। एक प्लेट के ऊपर इसको फ्लिप कर लेते हैं। वाओ, जैसा कि आप देख सकते हैं केक कितनी अच्छी तरह बेक हुआ है, कितना अच्छा इसके ऊपर टेक्सचर आया है। केक बहुत सॉफ्ट बना है, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से केक बेक हुआ है। हमारा एगलेस वनीला स्पॉन्ज केक बनके तैयार है एंड केक बहुत ही अच्छा बना है। बिलीव ये केक अवन से बहुत अच्छा बना है। आप इस केक को अपने घर पे ट्राई करें और आपके कोई भी क्वेश्चन हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। इसे एक बार आप बना के रख लें, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।